हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं गोंद के लड्डू। इंग्रेडिएंट्स ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको हमने रोस्ट कर लिया है घी में डाल के। गरी है, गरी को भी रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। मखाने को भी रोस्ट करके पाउडर बना लिया है। गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। सूजी को हमने रोस्ट कर लिया है हल्का ब्राउन डाल के। आटा को भी हम हल्का ब्राउन रोस्ट कर लेंगे। ये खसखस है, खसखस को रोस्ट करके इसका पेस्ट बना लेंगे। गुड़ है, हम चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होता है। देसी घी डालेंगे इसमें। देसी घी से ही ऑथेंटिक गोंद के लड्डू बनते हैं। आइए हम इसमें गोंद को फ्राई करते हैं। हम एक कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एक साथ फ्राई करने से गोंद चिपक जाते हैं, थोड़े थोड़े फ्राई करने से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, हमारे गोंद हमने थोड़े थोड़े करके फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम सारे गोंद को इसी तरीके से फ्राई कर लें। ये देखिए, हमारे गोंद फ्राई हो गए हैं। अब हम गोंद को मिक्सी में डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। उसी कढ़ाई में हम आटा डालेंगे। आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके धीमी आंच से रोस्ट कर लेंगे ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमारे आटे हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम उसी कढ़ाई में आधा ग्लास पानी डालेंगे और गुड़ को, सारे गुड़ को तोड़कर इसी में डाल देंगे। ये गुड़ की देखिए, जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए, ये चाशनी को हम पकाते रहेंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, अच्छा सा लिक्विड देखिए बन गया ये। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें जो हमने आटा रोस्ट किए थे वो आटा डाल देंगे। बड़े बर्तन में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने में आसानी रहेगी। अब हम इसमें गरी को रोस्ट करके मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे। गरी को मिक्स कर लेंगे। अब हम मखाना डालेंगे। मखाना को भी हमने फ्राई करके मिक्सी में हल्का सा पाउडर बना लिया है। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाना बहुत फ़ायदा करता है। अब हम इसमें खसखस को डाल देंगे और खसखस भी हल्का सा मिक्सी में हमने पीस लिया है। गोंद को अब हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और ये पेस्ट वाले गोंद है जो हमने फ्राई करके पेस्ट बना लिया था। ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके इसको फ्राई कर लिया है। इसको हमने नहीं पीसा, ये हम इसको खड़े ही रखेंगे। चॉप्ड ही अच्छे आते हैं खाने में। इसको हम अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे ताकि सारी गोंद मिक्स हो जाए उसमें। ये देखिए, हमारे गोंद, ड्राई फ्रूट्स, गरी सारे अच्छे से मिक्स हो रहे हैं आटे के साथ। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी हमने लिया है, हम सूजी डालकर अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पाउडर में ही अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आपको ये पेस्ट में आसानी रहे। जब हम इसकी चाशनी डालेंगे तो ये मिक्स रहेगा तो बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ेगा आपको। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। देसी घी भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जितने इंग्रेडिएंट्स मिक्स रहेंगे उतने बेटर रहेंगे हम लोग के लिए, ताकि ये लड्डू हर जगह से इक्वली बराबर बनेंगे। अब हम इसमें चाशनी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना शुरू करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी गीले हो जाएंगे। थोड़े डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा चाशनी डालेंगे। इसको धीरे धीरे करके सारे तरफ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिए। अब हम हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे और लड्डू, मीडियम शेप के लड्डू बना लेंगे। और गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे ताकि ये चाशनी गरम हल्की थी और गरम में ही लड्डू बनेंगे अच्छे। ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, हमारे लड्डू, हम इसको अच्छे से टाइट प्रेस कर कर के अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए, हमारे गोल गोल लड्डू बनके तैयार हैं।
अब हम इसी तरह से एक और लेंगे, अच्छे से पुश कर करके ये लड्डू को हम बनाएंगे टाइट टाइट, ताकि ये लड्डू खुले ना। इसको जितना आप अच्छे से प्रेस करके जितना अच्छे से गोल गोल बनाएंगे, उतने वैसे के वैसे फिर वो रहेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बना लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि ये गर्म में ही अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं। ये देखिए हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप भी अपने घर पर बनाएं, अपने बच्चों बड़ों सबको खिलाएं और इन्जॉय करें।